हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 एनजीओ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो एनजीओ का नाम है वो है स्माइल फाउंडेशन। ये सन 2002 में फाउंडेड हुआ था और इसका फाउंडर है शांतनु मिश्रा। ये जो एनजीओ है इसका मेन वर्क एरिया है एडुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डिजास्टर रिस्पॉन्सेस। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है www.smilefoundationindia.org। इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा जो एनजीओ है वह है नन्ही कली। ये नन्ही कली एनजीओ फाउंडेड हुआ था बाई मिस्टर आनंद महिंद्रा इन द ईयर 1996। ये नन्ही कली जो है ये एक्चुअली एक ऐसा एनजीओ है जिसका फोकस एरिया है अंडर प्रिविलेज गर्ल चाइल्ड का एडुकेशन को लेके, और जो लो इनकम ग्रेड फैमिलीज है इंडिया की, वहाँ की जो बच्चियाँ है खास करके गर्ल चाइल्ड जो है उनको एडुकेशन के लिए ही ये एनजीओ जो है मेनली काम करती है। इस एनजीओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है वो है www.nannikali.org। थर्ड जो एनजीओ है वो है गिव इंडिया। ये मिस्टर वेंकट कृष्णन ने सन 1999 पे इस्टेब्लिश किए थे। एक्चुअली गिव इंडिया जो है ये एक ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डोनेशन करने के बाद ये एनजीओ दूसरे जो एनजीओस हैं उसके फंड को फॉरवर्ड कर देते हैं। गिव इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है giveindia.org। अगला जो एनजीओ है वो एक गुंज। मिस्टर अंशु गुप्ता ने सन 1999 में ये गुंज नाम का एनजीओ को इस्टेब्लिश किए थे, और ये गुंज एनजीओ जो है उसका मेन फंक्शन एरिया है एडुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, वाटर, सैनिटाइजेशन, एनवायरनमेंट, एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है www.gunj.org। फिफ्थ जो एनजीओ है वह हेल्पेज इंडिया। ये काफ़ी पुराना एनजीओ है, 1978 का इस्टेब्लिश हुआ था बाय मिस्टर जैक्सन कोली एंड सैमसन डैनियल। हेल्पेज इंडिया का जो वर्क एरिया है वह है एडुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, वाटर, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है www.helpageindia.org। नेक्स्ट नंबर 6 एनजीओ है क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू। ये एनजीओ एस्टैब्लिश हुआ था बाय मिस्टर रिपन कपूर इन द ईयर 1979। ये एनजीओ मेनली काम करती है हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एडुकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। सेवेंथ जो एनजीओ है वह केयर इंडिया, जिसका एस्टैब्लिश हुआ था बाई मिस्टर लेगलॉन क्लार्क के द्वारा इन द ईयर 1946। ये एनजीओ का भी जो वर्क एरिया है वो लगभग सिमिलर है एडुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, जेंडर, वाटर, सैनिटेशन, फूड सिक्योरिटी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है www.careindia.org। अगला जो एनजीओ है नंबर 8 वो है चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, जो एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1996 बाय मिस्टर जेरो बेलिमोरिया। इस एनजीओ का जो वर्क एरिया है वो है ऑल राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है www.childlineindia.org। नंबर 9 जो एनजीओ है वो है सम्मान फाउंडेशन, जिसका एस्टैब्लिश हुआ था सन 2007 में बाई मिस्टर इरफान आलम। ये जो एनजीओ है इसका मेन वर्क एरिया है हेल्थ, लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है www.shabman.org। नंबर 10th जो एनजीओ है उसका नाम है प्रथम, जिसका एस्टैब्लिश हुआ था सन 1994 में बाय मिस्टर माधव चपन एंड फरीद लंबे। इसका जो विजन स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है, एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। इसका ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है www.pratham.org। इसको छोड़ के भी भारत में और भी लाखों एनजीओस हैं जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं, और ये सारे एनजीओ जो है वो सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। टाइम कंस्टेंट की वजह से हम आज सारे एनजीओ का नाम नहीं कर पाए, सिर्फ हमने 10 मेजर एनजीओ का नाम किए हैं। इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे मेजर एनजीओ हैं, पर मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपका नज़दीकी जो एनजीओ है या जो एनजीओ को अप्रोप्रिएट समझते हैं उस एनजीओ पे ज़रूर आप डोनेट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।